हे गाइस, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं काफ़ी लोगों के प्रॉब्लम आ रही थी जिसके अंदर वो क्लेम कर रहे थे और उनका क्लेम रिजेक्ट हो रहा था और रिजेक्शन में आ रहा था मेंबर नेम प्रिंटेड चेक नोट इनक्लोज सर्टिफिकेट इनक्लोज इज इम्प्रॉपर। तो इस तरह का प्रॉब्लम आ रही थी दोस्तों सभी के, और उनके क्लेम रिजेक्शन का यही आ रहा था कि भैया जो आपकी पासबुक है और जो आपकी चेक है उस पर आपका नाम प्रिंटेड नहीं है, इस वजह से आपका जो है क्लेम रिजेक्ट किया जा रहा है। तो क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम है, दोबारा वीडियो बना रहा हूँ और इसमें आप अच्छे समझ जाएंगे। मैंने क्लेम भी किया है, उसमें वो क्लेम सबमिट हुआ है और सक्सेसफुल तरीके से वो NEFT हो चुका है जिसका ये अकाउंट था और जो वो क्लेम करना चाह रहा था उसके अकाउंट में। तो दोस्त यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ये पेमेंट निकालते हैं हम 31 नंबर के फॉर्म से एडवांस के रूप में पेमेंट निकालेंगे। यहाँ पर हमें किसी भी तरह की डेट ऑफ एग्ज़िट यानी कि जो हम जॉब कर रहे हैं उसकी एग्ज़िट अपडेट की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपके अकाउंट में अभी तक डेट ऑफ एग्ज़िट अपडेट नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ जॉइनिंग काफ़ी है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लेम स्टेटस पे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे मैंने काफ़ी बार क्लेम किया, 4-5 बार, वो 4-5 बार रिजेक्ट हो गया और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमने क्लेम करा था, वो एक्सेप्ट हो गया। तो मैं शुरू से दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हमने यहाँ पे दिसंबर के आसपास हमने एक क्लेम किया था। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, हमने सबसे पहले क्लेम किया था दिसंबर के आसपास। तो यहाँ पे हमने 4,000 रुपये समथिंग एडवांस के रूप में लिए थे और यहाँ पे देखिए पेमेंट ऑफ एडवांस लिखा हुआ है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे हमने ये लिया था एडवांस के रूप में, इसको हमने नेचुरल क्लेम्स में लिया था। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊंगा हमने इसमें क्या डाला था। तो यहाँ पे ये जिस बंदे का क्लेम कर रहा था मैं, तो यहाँ पे उसके पास कोई चेकबुक नहीं थी जिसके अंदर उसका नाम लिखा हुआ हो इस बैंक की। उसके पास था तो सिर्फ ये पासबुक। तो हमने फ़ोटो खींच के इस पासबुक को क्लेम को सबमिट किया। तो यहाँ पे जे सबमिट करने के 4-5 दिन बाद ये रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ये 20 दिसंबर को किया था हमने, रिजेक्ट हो गया। उसके बाद हमने 28 दिसंबर को फिर एक क्लेम किया, वो भी रिजेक्ट हो गया। तो इसमें हमने क्या करा ये दिखाता हूँ मैं। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वापस लोड हो रहा है और यहाँ पे हमने वापस 28 दिसंबर को हमने किया और ये हमने 4,500 रुपये से एडवांस इस रूम में यानी कि 4,500 रुपये का क्लेम करना चाहा और एडवांस रूप नेचुरल क्लेम्स लिया और सेम टू सेम वैसे ही वो फ़ोटो जो हमने खींची थी वैसी की वैसी फ़ोटो खींच के अपलोड कर दी। और यहाँ पे फिर निराशाजनक ये क्लेम है जो रिजेक्ट हो गया। तीसरी बार हमने किया यहाँ पे 4 जनवरी को। 4 जनवरी को हमने क्या किया, इसमें इसी पासबुक को हमने स्कैन करा और यहाँ पे हमने इस बार करा 4,600 रुपये, 4,500 रुपये के आसपास हमने ये क्लेम क्लेम प्रोसीड किया 4,500 रुपये के लिए और एडवांस में ही लिया था, जो सेम टू सेम था वो ही लिया हमने। और यहाँ पे हमने पासबुक को अच्छे तरीके से स्कैन किया ताकि जो सामने वाला चेक कर रहा है उसको हमारी बैंक आईडी वगैरह नाम जो भी है हमारे वो अच्छे से दिख जाए और अच्छे से मेंशन उसमें उसको दिखे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। फिर भी क्या हुआ, ये रिजेक्ट हो गया। इतना साफ साफ करने के बावजूद भी ये रिजेक्ट हो गया। तो मैंने आगे काफ़ी पता किया, मेरे जो एचआर थे और एचआर के ऊपर जो हेड डिपार्टमेंट था उनसे भी पता करा। तो वो कह रहा आपने सही तरीके से करा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों रिजेक्ट हुआ, उनको भी पता नहीं चला। फिर बाद में मैंने वापस मेरे ही फ्रेंड ने इसी को दोबारा करा और यहाँ पे वो सक्सेसफुल हो गया। अब मैं दिखाता हूँ उसने क्या किया था, कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे ये देखिए 3 रिजेक्ट थे, जैसे कि यहाँ पहले आपने देख रखे हैं जो मैंने दिखाए थे, ये मैं पासबुक के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे जो मैंने क्लेम किए थे वो रिजेक्ट हुए। यहाँ पे देखिए नीचे वाला रिजेक्ट हो गया, उससे ऊपर वाला रिजेक्ट हो गया और यहाँ पे जो सेकंड नंबर वाला है वो एक्सेप्ट हो गया। तो वो कैसे हुआ एक्सेप्ट, यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। इतना सब कुछ बताने का मकसद ये था कि क्या मैं करना था और क्या नहीं करना था। तो यहाँ पे जो एक्सेप्ट हुआ था मैं वो बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और ये हमने किया था 22 जनवरी के आसपास, इस क्लेम को हमने किया और क्लेम हमने कितने रुपए से किया ये मैं आपको दिखा देता हूँ। 5,000 रुपये से हमने इसको क्लेम किया। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ, हमने इस बार जो हमारी पासबुक थी उसको स्कैन भी नहीं किया, सिर्फ हमने फ़ोटो खींची मोबाइल से, एक अच्छी सी फ़ोटो खींची और उसको अपलोड कर दिया। इस बार पहले हम क्या कर रहे थे, पासबुक को खड़ी फ़ोटो ले रहे थे, हमने इस बार आड़ी फ़ोटो ली
और आड़ी फोटो लेने के बाद इसको हमने अपलोड कर दिया नेचुरल क्लेम्स में एडवांस, जो हम 31 नंबर का फॉर्म सेलेक्ट करके एडवांस के रूप में नेचुरल क्लेम सेलेक्ट करके हमने इसको अपलोड कर दिया। यहाँ पे अपलोड करने के बाद हमने अपलोड कर दिया और हमने इसको सबमिट कर दिया। तो सबमिट करने के बाद क्या हुआ दोस्तों, कुछ ही देर के अंदर जो क्लेम है ये सबमिट होने के हो गया और ये क्लेम सेटल हो गया। सेटल होने के बाद उसी दिन ये हमारा जो क्लेम था वो अप्रूव भी हो गया और यहाँ पे सेटल हो गया और यहाँ पे NEFT भी हमारे अकाउंट में आ गई। तो यही चीज़ मैं बता रहा था कि ये किस वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम थी ये शायद पोर्टल की प्रॉब्लम थी, जिस वजह से हमारा जो क्लेम था वो बार बार रिजेक्ट हो रहा था। हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास कोई अलग से हमने पासबुक वगैरह या अलग से हमने कोई चेक जो जिसमें नाम प्रिंट हो वो नहीं लगाई, वही सेम पासबुक हम घुमा घुमा के वापस क्लेम में डाल रहे थे और वो क्लेम अप्रूव हो गया। तो इसका मतलब यही था कि जो PF का ये पोर्टल था इसी में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, जिस वजह से हमारा जो ये कारण आ रहा था बार बार कि आपका ये जो क्लेम है रिजेक्ट हो रहा है इस वजह से। तो हम बार बार, दो चार बार हमें रिजेक्शन मिला, लेकिन तीसरी चौथी बार हमें जो ये है अप्रूव मिल गया। तो आपको भी क्या करना है, अगर आपका बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस एंगल में आप फोटो खींच रहे हो उस एंगल में ना खींच के, या तो आप साइड से खींचे या ऊपर से सीधी खींचे या आड़ी खींचे, अलग अलग तरीके से आप फोटो खींच कर डाल दीजिए उसमें। हो सकता हो कि उस वजह से आपका क्लेम अप्रूव हो गया। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, आपका ये एरर आ रही है, ये कारण आ रहा है आपके क्लेम करने में, तो इस तरीके से फोटो खींच के डाल दीजिए, हो सकता है कि आपका क्लेम अप्रूव हो जाए। मैंने आगे बात करी थी तो मुझे कोई खास कारण नहीं मिला, इस वजह से मैंने आपको बताया और ये अप्रूव भी हो गया है। तो ये उदाहरण बताया था मैंने आपको, शायद आप भी परेशान हो रहे हो तो आपको परेशान होना की जरूरत नहीं पड़े, तो ये आपका जो क्लेम है वो अच्छे से अप्रूव हो जाए। तो दोस्त इस वीडियो में इस वीडियो का मतलब यही था, आपको समझाना था कि अगर आपका क्लेम बार बार इस वजह से रिजेक्ट हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। हमने उसमें खड़ी फ़ोटो खींची थी और इसमें आड़ी फ़ोटो खींच के अच्छे से अपलोड कर दी, और अपलोड करने के बाद तुरंत ही 5 से 7 मिनट के अंदर ये अप्रूव भी हो गया और उसी दिन के अंदर अंदर पेमेंट भी अकाउंट में आ गया। तो मैंने इतनी फास्ट सर्विस तो अभी तक PF के पोर्टल पे कभी नहीं देखी, पता नहीं कैसे हुआ क्या हुआ आई डोंट नो, लेकिन हाँ उसी दिन हो गया, उसी दिन क्लेम किया, उसी दिन अप्रूव हो गया और उसी दिन ही पेमेंट आ गया। तो ये बहुत अच्छी बात थी जो मुझे लगा मैं आपको बताऊं, ताकि आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप भी इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकें। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके सवाल कर सकते हैं, और उसके फोटोज़ भेज के हमें उस रिलेटेड प्रॉब्लम की फ़ोटोज़ भेज के हमें उस सवाल की जानकारी पा सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियोस डालें सबसे पहले वीडियो आपको मिले। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।